हाय, मैं सोमा सरकार फ्रॉम कोलकाता। अचानक एक दिन ढूंढते ढूंढते फेसबुक में मुझे ममता क्रिएशन का कुछ ट्यूटोरियल दिखा, तो मुझे दो तीन चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। मैंने उनको कॉल किया और बात होने पर मैंने उनको पेमेंट ट्रांसफ़र किया एंड डेफिनेटली वो बहुत जल्दी उनका रिस्पांस आया कि मैं जो सीखना चाह रही थी बॉडी वॉश, क्रीम बॉडी वॉश और बाथ बॉम, तो मैंने उनसे सीखा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऑनलाइन कोर्स लेने में बहुत डर लगता है, क्योंकि रेसिपी ले लेते हैं उसके बाद वो चीज़ बनता है या बनता नहीं है, क्योंकि हैंड्स ऑन इज़ अ हैंड्स ऑन, आपको समझ आता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, वो आपके सामने होता है प्रोडक्ट्स। लेकिन कभी कभी हम लोग का बहुत सारा चीज़ एक साथ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारा सामान स्टोर करना घर में डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम लोग काफ़ी चीज़ सीखते हैं और बना नहीं पाते। बेसिकली मेरे साथ तो ये बहुत होता है, क्योंकि आई हैव लिटिल किड्स इन माई हाउस एंड आई हैव ऑफिस ऑल्सो, तो प्रोडक्ट सीखने के तुरंत बाद ही मैं बना नहीं पाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, आपका दिमाग से वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होने लगता है कि आप कैसे बनाया, कैसे सीखा। तो नॉर्मली उसके बाद कभी कभी कोई कोई टीचर का रिस्पांस उतना प्रॉम्प्ट नहीं होता जितना क्लास में रहता है, लेकिन ममता जी के बात थोड़ा अलग है कि वो मैं उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, मैंने प्रोडक्ट बनाया और विदाउट वीडियो कॉल बनाया, क्योंकि उसका टेक्निक्स इतना इजी था, आई कैन मेक इट इजीली इन माय होम। और उसके बाद मैंने उनको वीडियो सेंड किया, तो उन्होंने बखूबी से और भी कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए बताते गए। एज लाइक बाथ बॉम, मेरा बाथ बॉम बना था लेकिन बाथ बॉम थोड़ा टूट टूट गया, तो उसका क्या प्रॉब्लम था, तो जो लिटिल बिट टिप्स जो आपको बेसिकली शेप अप करेगा काम करने में, वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, बना तो लिया। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने जो रेसिपी मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से, मे बी हम लोग होता है ना, एक रेसिपी से वो वाला चीज़ नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए, तो मैंने उनसे बात किया और वो मुझे जो एक ही चीज़ दिया, तो उसमें आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एंड जब भी बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है उनका रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स करना कभी नहीं भूलता है, भूलती है। आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश और हिंदी, तो थैंक यू। आपको अगर कोई क्लास लेना है तो आप भी ले सकते हैं उनसे, और मुझे मैं आगे भी कुछ कुछ चीज़ उनसे फिर से रिपीट करना चाहूँगी। और अगर वो ममता जी कोलकाता आ गए तो उनको तो मैं पकड़ लूँगी कि आप मुझे ये सिखाते जाओ, नहीं तो ऑनलाइन चलता है लेकिन सामने में बैठ के कुछ सीखने का मज़ा अलग है। आई होप वेरी सून ममता जी आप कोलकाता पे आओ और हमको रेडी करो मेरे काम में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।